स्नोकर क्लब है, बड़े मज़े से फिल्म देख रहे हैं। एक दो तीन, ये तीन सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी। ये पूरा ये देखें, वाह ये देखें, वीडियो गेमें हैं, ये देखें गेमें हैं, झुग्गियों के अंदर एलसीडी लगी हुई है, पक्खे लगे हुए हैं। नाजरीन आज मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो कि पहले कभी ना देखी होगी आपने, किसी मीडिया वाले ने आपको दिखाई नहीं होगी। मैं रावी के किनारे पर जो झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो खाना बदोश रहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ कैसे गुजार रहे हैं, उन्होंने अपनी झुग्गियों में क्या क्या इंतज़ाम किया हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, ये सब आज मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। पहले हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर, उन्होंने झुग्गियों के अंदर अपने लिए कुछ गेमें लगाई हुई हैं जो कि बच्चे आकर यहाँ पर गेम खेलते हैं, तो मैं चल कर आपको दिखाऊँगा। स्नोकर क्लब है, बड़े मज़े से फिल्म देख रहे हैं, इंडियन मूवी भी लगी हुई है, फिल्म देख रहे हैं, साथ में स्नोकर क्लब है। ये टेबलें रखी हुई हैं, एक दो तीन, मसरूफ़ हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका, कैसे हो भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत ठीक है? ठीक, शुक्र है अल्लाह पाक का। क्या कर रहे हो? हम गेम खेल रहे थे, आप बैठ गए। गेम खेल रहे थे, बैठ गए, मूवी वगैरह भी देख रहे? मूवी भी देख रहे हैं, गेम भी खेल रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। इंजॉय भी कर रहे हैं, इंजॉय खूब हो रहा है, खूब खूब। यहाँ पे ये इसका मालिक कौन है? इसका मालिक वो गंजा बैठा। कौन है वो? तो चला गया आपको देख के बाहर, चला गया हमें देख के, चला गया भाई। चला गया। ये एलसीडी लगाई हुई है, लाइट कहाँ से चला रहे हो, लाइट किधर से मिली है? लाइट इधर से बाहर, हमने आपका ट्रांसफार्मर लगाया उधर से। कुंडा डाला हुआ है? कुंडा? हाँ जी कुंडा, नहीं नहीं अपना अपना मीटर लगाया हुआ, अपना मीटर, अपने मीटर लगाए जी। अच्छा, पंखे चल रहे हैं जी, एलसीडी लगी हुई है, गेमें पड़ी हुई हैं, टेबलें। ये भाई यहाँ पे झुग्गियों में गेमें लगाई हुई हैं इन्होंने, और अपनी ज़िंदगी कैसे गुसर बसर कर रहे हैं यहाँ पर, मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा। इन्होंने अपनी झुग्गियों में वो चीज़ें रखी हुई हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। नए अप्लाइड फॉर 125 भी खड़े होते हैं, बड़े बड़े आपको एलसीडियां भी मैं दिखाऊंगा जो कि एलसीडियां लगाई हुई हैं उन्होंने झुग्गियों के अंदर, और सोलर की बड़ी बड़ी प्लेटें भी लगाई हुई हैं। ये सब आपको मैं दिखाऊंगा, और ये वो लोग हैं, ये वो माफिया है जो कि सिग्नल के ऊपर खड़े होकर मांगते हैं। ये वो माफिया गढ़ बन चुका है जो ये मांगते हैं, और हम जैसे लोगों को, और जो यानी कि जो जिनका हक होता है मांगने का, उनसे वो हक वो छीन लेते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा जी। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखें बड़ी बड़ी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, ठीक है, कूलर भी लगे हुए हैं। तो ये दिखाएं ज़रा, ये मेरा कैमरा घुमाएं अंदर, इनके अपना यानी कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं झुग्गियों के अंदर। लेकिन ये वो लोग हैं, वो माफिया है जो कि रोडों पर मांगता है, सिग्नल पर खड़े होकर मांगते हैं, और उन गरीबों का हक जो है ये छीनते हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, उनका ये हक छीनते हैं। तो ये एक माफिया बन चुका है झुग्गियों में, इन्होंने बड़ी बड़ी एलसीडी स्क्रीनें लगाई हुई हैं, 125 नए खड़े होते हैं जो कि आप लोगों के पास नहीं होते। तो ये हालात है। ये दिखाएं जी, ये दिखाएं जी, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर आगे आओ, ये दिखाओ। एक दो तीन, ये तीन सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, आखिर अंदर चला के आ रहे हैं, क्या चीज़ चल रही है ये, अंदर जाके दिखाते हैं हम आपको कि क्या अंदर चलाते हैं क्या नहीं करते। मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, पापा किधर हैं? सो रहा है। पापा सो रहे हैं, किधर जा रहे हो पढ़ने के लिए? ट्यूशन पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? वन क्लास। वन में पढ़ रही हो? कहाँ पे पढ़ते हो? बत्ती चौक पढ़ते हो? उधर जाते हो यहाँ से? कैसे जाते हो? अच्छा, पैदल जाते हो कि रिक्शे में बैठ के? ऐसे ही। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि झुग्गियों के क्या हालात है, दौर बहुत चेंज हो गया है, एडवांस हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ये भी सोलर की प्लेट पड़ी हुई है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ झुग्गियों के बाहर, झुग्गियों के बाहर दिखा रहा हूँ मैं आपको। बेटा इधर आओ। तो ये घर है इनका, और अच्छा ये एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये पूरा ये देखें, वाह ये देखें,
पखे भी हैं, कूलर भी है और सारा कुछ। भाई क्या हाल है? ये देखो जी इनके बच्चे देखो, ये बच्चे क्यों इन्होंने इतने इतने बच्चे रखे होते हैं, 20-20 बच्चे, एक एक ख़ानदान के 20-20 बच्चे होते हैं, क्योंकि इनका कारोबार है, इनका कारोबार है। सिग्नल में ये मांगते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं कि आप जाओ कमा कर लाओ। इन्होंने फिर भी झुग्गियों में रहना होता है, झुग्गियों में रह कर ये अपना गुजर बसर करते हैं। ये एक बिजनेस बन चुका है, ये एक माफिया बन चुका है, जो कि कंट्रोल में नहीं है। अब चाहे ये महीने क्या 2 लाख भी कमाएगा, लेकिन इन्होंने रहना इधर ही होता है। बाबा जी बड़े मज़े से लेटे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल है, की नाम है? बिस्मिल्लाह। नाम की है? गुलजमान। गुलजमान इतने ही होंगी गेम नहीं? किदिया ने थले डेरा जी उन्होंने दिया ने ते तुहानू दिहाड़ी नहीं? मैनू दिहाड़ी तो भी नहीं, उन्होंने बंदा नसिया जो गेम गेम कि चलाते हो इतने तुम? बिजली कितने आई डेरे उ मीटर लगे आ, डेरे उठे दे कोई लगे है लगे नहीं असी आओ। अच्छा मीटर इतने होना चाहिए ना? अच्छा ये दिखा दूँ मैं आपको, ये टेबलें भी पड़ी हुई हैं, ये गेमें चल रही हैं, वीडियो गेमें हैं, ये देख गेमें हैं, झुग्गियों के अंदर एलसीडी लगी हुई है, पखे लगे हुए हैं। ये वो माफिया बन चुका है जो कि रोडों पे सिग्नल पे खड़े होकर ये मांगते हैं, तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये एक माफिया बन चुका है और ये बहुत आगे निकल गए हैं। लेकिन ये उन गरीबों का भी हक छीनते हैं जो कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो मांग नहीं सकते, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। लेकिन ये लोग जो है उन लोगों का हक छीनते हैं, सिग्नल पे खड़े होकर ये हाथ फैलाकर मांगते हैं, और जितना भी मांगे इन्होंने बैंक अकाउंट बनाए होते हैं, बैंकों में रखते हैं वो पैसा, और बच्चे इनके 20-20 होते हैं, सब बच्चों को कह देते हैं कि जाओ आप रोडों पर मांग कर लाओ। तो ये एक माफिया बन चुका है, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था नाज़रीन। तो आज के NPG मीडिया में बस इतना ही, मुझे मेरे कैमरामैन को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।